हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्कोर प्लेयर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कबड्डी के मैच की, जो होने वाला है दिल्ली वर्सेस गुजरात के बीच में, वीवो प्रो कबड्डी। तो इस मैच में जो है, ये मैच जो है कबड्डी का जो है, कल जो हमारे दो मैच हुए थे कबड्डी के, उनके बारे में मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूँगा। जो लोग नई टीम ट्राई कर रहे हैं, उनकी विनिंग ग्रैंड लीग में सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो पुराने प्लेयर हैं जिनको हम कैप्टन और वाइस कैप्टन करके उनके साथ खेलते थे, वो लोग जो है इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है सेम टीम ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए सबको लॉस जो है उसमें हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कबड्डी खेलते हैं तो नई टीम ट्राई करें, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी नए टाइम करें। नए ट्राई करने से आपको एक फ़ायदा होगा, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं और आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप लोगों को जो है वो फ़ायदा हो सकता है विनिंग का। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सेम टीम यूज़ करके चल रहे हैं तो आप लोग जो है सेम टीम ना लें, अपनी एक यूनिक टीम जो है वो ट्राई करें, क्योंकि ग्रैंड लीग में जो है यूनिक टीम जो है आपको जो है फ़ायदा दे सकती है। तो हम जो है आपको एक हेल्प कर रहे हैं ग्रैंड लीग की टीम बना के देने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट बेसिस पे, जे नरवाल जो हमारा डिफेंडर है, ये बहुत अच्छे पॉइंट देते हैं, तो इसलिए जे नरवाल को आप बिना सोचे समझे जो है ले सकते हैं। फिर जो आप ले सकते हैं सुनील कुमार, सुनील कुमार को भी आप अपने साथ ट्राई कर सकते हैं। फिर जो है आप ले सकते हैं जो है हमारे पास आर पहल, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आर पहल की जगह जो है एस गैफ्री, इनको भी आप जो है अपने साथ ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर की जगह आर गुलिया सब लेके चल रहे होंगे, आप जो आर गुलिया को ट्राई करें, एम शेख भी सब ट्राई कर रहे होंगे, तो आप भी ट्राई करें। बात करते हैं सी रंजीत जो हमारे रेडर हैं, मैं इनको लेके चल सकता हूँ। अब मेन चीज़ है, या तो आप नवीन कुमार चूज़ करें, नहीं तो आप जो है अगर आप एक डिफेंडर जो अपना कम कर सकते हैं, जैसे एस कफरी, इनको कम करके जो है अपना आप लेना चाहते हैं एस जगलैन को भी ले सकते हैं, क्योंकि रेडर हैं और सही रेट करते हैं, तो इसलिए आपके लिए फ़ायदा है। और इस चीज़ में आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो गुजरात की टीम है वो दिल्ली के टीम के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई टीम है, तो इसलिए आप जो है गुजरात की टीम को ही कैप्टन वाइस कैप्टन का मेन रोल जो है दे के चल सकते हैं अपने साथ आगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप जो है गुजरात की टीम को अगर मेन रोल दे के चल सक देना चाहते हैं अपने साथ, तो आप जो है गुजरात की टीम को जो है मेन रोल दे के अपने साथ आगे चल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टीम है, इस टीम को भी आप जो अपने साथ ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्योंकि ग्रैंड लीग में आपको इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए क्योंकि नवीन कुमार कितने लोगों ने लिया हुआ 88%, और ये 88% की गारंटी है, ये कैप्टन भी 88% ने लोगों ने बना रखा होगा, तो इसलिए जो है आप नवीन कुमार को ट्रायल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो मेरी माने अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप ट्राई ना करें नवीन कुमार को। तो बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको एक चॉइस दे देता हूँ, जो एम शेख है इनको आप कैप्टन जो है रिस्क लेके ट्राई कर सकते हैं एम शेख, और वाइस कैप्टन जो है जे नरवाल के साथ आप जा सकते हैं। ये जो है ये हमारी टीम है, जिस टीम को हम कैप्टन वाइस कैप्टन लेके अपने साथ आगे चलेंगे, तो आप लोग भी है इस प्लेयरों को लेके अपने साथ आगे चल सकते हैं। तो बात करते हैं फाइनल टीम की, जो कभी कभार हम फाइनल टीम अपडेट जो है लाइनअप जो है कभी कभार चेंज हो जाता है, तो इसलिए फाइनल टीम अपडेट जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है दे देते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग जो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है, आप जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। तो ये जो है हमारी फाइनल टीम है, जिस टीम को लेकर अपने साथ आगे चलेंगे, और मैंने एक टीम जो है और बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी टीम है, तो आप चाहें तो उस टीम में भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दूसरी टीम थी जो मैंने ये बनाई थी, जिसमें मैं दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, और सेकंड टीम में मैं गुजरात को फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक टीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, जय हिंद जय भारत।